Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताना ना भूलें आज की रेसिपी आपको कैसी लगी. इस टाइप की और भी रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, कॉमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है तो आप इसमें कंजूसी क्यों करते हैं. कंजूसी नहीं चलेगी, आपको लाइक करना पड़ेगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो साथ ही साथ मेरा जो दूसरा चैनल है फील फ्री सॉल्यूशन, अगर अभी तक आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पर मैं अपने ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, कुछ नई एडवाइस भी शेयर कर रही हूँ, होम रेमेडीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और क्या क्या आप देखना चाहते हैं वो सब कॉमेंट्स कर सकते हैं. फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, जो मार्केट का बेसन आता है आप हमेशा उसी का यूज करें, तभी ढोकला परफेक्ट बनेगा. ढोकला बनाने से पहले बेसन को अच्छे से सीव कर लें, मीन्स छलनी से छानना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने यहाँ पर एक स्टील की छलनी से ये बेसन छान लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें किस टाइप से ये छोटे छोटे गोली निकली हैं. अगर आप ढोकले में ये इसी तरीके से डाल देते तो ये इतना परफेक्ट नहीं बनता. तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 कटोरी बेसन लिया है, आप कोई भी बर्तन मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगी दही. तो दही में आप देख सकते हैं जो पानी था, ये पानी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें खट्टा मीठा ढोकला बनाना है. तो मैंने 1 कटोरी भर के दही इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से फेंट लूंगी. अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप विस्कर की हेल्प से इसको फेंटते हैं तब आप देखते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं और बैटर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है. दही डालने के बाद बैटर थोड़ा सा टाइट हो रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर 1/2 कटोरी पानी का यूज और किया है. अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको इसे रखना है. उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी हल्दी एक अच्छा कलर लाने के लिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी. अब दही ऑलरेडी खट्टा था इसलिए ये ढोकला खट्टा मीठा तो बनेगा ही बनेगा. अब आप इसका कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर यहाँ पर तैयार हो जाता है. अब आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दीजिए. अब क्योंकि मेरे पास बैटर थोड़ा ज़्यादा था तो इसलिए मैं इसको पहले 1 कटोरी में निकाल दूंगी और इस वाले बैटर से हम बाद में बनाएंगे ढोकला, पहले 1/2 बैटर से हम ढोकला बनाएंगे. क्योंकि मेरे पास जो बर्तन है वो थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. अब मैं इसमें ऐड करूंगी फूड सॉल्ट, आप इनो का यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने 1/2 पैकेट इनो का इसमें ऐड किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला है तो आप देख सकते हैं रिएक्शन हुई और ये कितने अच्छे से फॉर्मेंट हो गया, मीन्स कितने अच्छे से फूल गया है. बिल्कुल यही इसी तरीके से हमको चाहिए था. तो यहाँ पर ढोकले का बैटर बिल्कुल तैयार है. जिस बर्तन में मेरे को ढोकला बनाना है उसको मैं अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लूँगी. जिस भी बर्तन में आपको बनाना होता है उसमें ऑयल लगाना ज़रूरी है ताकि जब ढोकला बने तो वो इजीली निकल आए. अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट थी और अब हम इसको बनाने जा रहे थे इसीलिए मैंने इस टाइम पर इसमें इनो ऐड किया. जिस टाइम आप बनाने जाएं उसी टाइम पर इनो ऐड करना है, उससे पहले नहीं. और आप बर्तन में देख सकते हैं कि केवल मैंने 1/2 बर्तन ही बेसन से भरा था. दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी और इसमें एक स्टैंड रखा है. पानी केवल इतना ही है कि स्टैंड के नीचे नीचे है, मीन्स जो बेसन वाला बर्तन है उससे पानी टच नहीं होना चाहिए. बेसन का बर्तन 1/2 भरा हुआ है और अभी आप देखेंगे जब ढोकला बन जाएगा तो ये साइज में डबल हो जाएगा. आपने देखा था कि बर्तन 1/2 फिल था और अब देखते ही देखते ये बर्तन काफ़ी हद तक भर जाएगा, इसीलिए हमने बर्तन में 1/2 बेसन फिल किया था. और 20 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही रखकर छोड़ दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर. पहले 5 मिनट आपको हाई फ्लेम पर रखना है, उसके बाद आपको फ्लेम मीडियम कर देनी है और उसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि बर्तन छोटा था तो 20 मिनट के अंदर हमारा ढोकला बनकर रेडी हो गया है. पहचान कैसे करेंगे, कोई भी एक टूथपिक लीजिए और बिल्कुल मिडिल में इसके इंसर्ट कीजिए. अगर जो टूथपिक है उस पर बेसन नहीं आ रहा है इट मीन्स कि ढोकला बनकर तैयार है. अब सेम बर्तन में हम दूसरा बर्तन रख देंगे जो हमने ढोकले के लिए तैयार किया था. पानी की मात्रा बीच बीच में चेक करते रहें ताकि कढ़ाई में पानी खत्म ना हो. अब इसका तड़का तैयार करते हैं. इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा घी, उसमें ऐड किया है सरसों दाना, साथ में ऐड किया है थोड़ा सा राई दाना और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश करी लीव्स. करी लीव्स ऐड करना बहुत जरूरी है तभी तो ढोकले का मेन टेस्ट आएगा. तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेश करी लीव्स
आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि करी लीव्स को कैसे स्टोर करके रखें कि वो एक महीने तक भी फ्रेश बनी रहें, तो इसका वीडियो मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, वो भी जरूर देख लें। और साथ में मैंने इसके ऐड की हैं 5 से 6 हरी और लाल मिर्च, उसको हाफ कट कर दिया था, और जब ये अच्छे से पक जाए तब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। यस, ढोकला बना रहे हैं खट्टा मीठा, तो इसमें पानी ऐड करना बहुत जरूरी है, तभी आपका ढोकला बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बनेगा। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, और खट्टापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी आधा पीस नींबू का। ढोकला खट्टा मीठा है तो उसका हम पानी जो बनाएंगे वो भी नमक होना चाहिए उसमें, चीनी होनी चाहिए और नींबू, नहीं तो आपको ढोकला फीका फीका लगेगा। तो यहाँ पर पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड में हमने जो ढोकला निकाल कर रखा था उसको 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए, तो ढोकला अच्छे से ठंडा हो गया है। कभी भी गरम गरम ढोकला कट ना करें, अदरवाइज टूट जाएगा। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस, वाओ कितनी बढ़िया जाली इसके अंदर बनी है और बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बना है ये ढोकला। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको कट कर लिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो इसका पीस है। जस्ट लुक एट दिस, वाओ कितनी बढ़िया जाली इसके अंदर बनी है, ये शो कर रहा है कि हमारा ढोकला बहुत ही बढ़िया बना है। जो मिडल वाला पीस है उसमें भी बहुत अच्छी जाली आई है। अब अगेन हम इस ढोकले को उसी बर्तन में सेट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें ढोकले को और स्पॉन्जी बनाना है। ढोकले का बर्तन आधा फिल हो चुका है, बाकी का ये और ज्यादा फिल हो जाएगा जब हम इसके अंदर ये पानी ऐड कर देंगे। पानी को भी कभी भी गरम गरम आपको ऐड नहीं करना है, पानी में अच्छे से बबल्स आ गए हैं, तो पानी को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। लगभग 15 मिनट के बाद पानी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब आपको ढोकले के ऊपर ये पानी ऐड करना है। पानी में ढोकला ऐड नहीं करना है, ढोकले के ऊपर आपको पानी ऐड करना है। अगर आप पानी में ढोकला ऐड कर देंगे तो ये ढोकला बिखर जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। पानी ऐड करने के बाद आपको इसे लगभग 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये पानी सोख कर लेगा तो ये और ज्यादा फूल जाएगा। जब आप लोग बाहर खाते हैं तो आपने देखा होगा कि ढोकला बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी होता है, क्योंकि वो पानी में डिप रहता है, तो इस तरीके से वो ढोकला पानी सोख करने के बाद और भी ज्यादा फूल जाता है। नाउ जस्ट लुक एट दिस, भर गया ना ये पूरा बर्तन, इसीलिए हमने बर्तन में आधा बैटर फिल किया था, क्योंकि बाद में ढोकला इस तरीके से फूल जाता है। नाउ जस्ट लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना था, बहुत सॉफ्ट। क्या चीज हमने यूज की, केवल बेसन यूज किया है। बेसन यूज करके हमने इतना बढ़िया ढोकला तैयार किया है ना, एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए, आपके घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। खट्टा मीठा खमंड ढोकला बनकर बिल्कुल तैयार है। आई होप कि ये रेसिपी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स करके बताना ना भूलें ये स्पॉन्जी ढोकला आपको कैसा लगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट दिस, कि ढोकला कितना ज्यादा स्पॉन्जी बना है। नाउ जस्ट लुक एट दिस, हो रहा है ना कितने अच्छे से स्पॉन्ज, बिल्कुल ऐसे ही ढोकला आप भी बना पाएंगे, बस ये छोटी सी ट्रिक्स फॉलो कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।